स्टूडेंट माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी टुडे वी विल बी डिस्कस्ड एक्सरसाइज 1.2 पॉइंट टू अगेन एक्सरसाइज वन को हमने स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में भी इसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 336 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द एलसीयम एंड एस सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एल्सीयम इंटू एल्सीयम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर सो फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स फर्स्ट थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स स्टूडेंट टू से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर तो टू इज अ प्राइम फैक्टर टू वन जै टू टू सिक्स जै ट्वेल्व टू एट जा सिक्सटीन टू एट जा सिक्सटीन टू फोर जै एट टू फोर जै एट टू टू जा फोर टू टू जा फोर टू वन जा टू थ्री सेवन ट्वेंटी वन एंड सेवन वन 7. सो थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स इसके फैक्टर्स हो गए स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फोर टाइम टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन फिफ्टी फोर के भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट टू टू जा फोर टू सेवन जहा फोर्टीन थ्री नाइन जहा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जाइन थ्री वन जी सो फिफ्टी फोर्स फैक्टर इज प्राइम फैक्टर टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू लास्ट यहीं तक है प्राइम फैक्टर्स सो स्टूडेंट फर्स्ट वी फाइंड द एस सी एफ एस में स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एस फाइंड करने के लिए हमें ये जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं इसमें देखना है कॉमन फैक्टर कौन से हैं तो कॉमन यहाँ पर देखिए क्या है बताइए कॉमन है यहाँ पर टू एंड देखिए ये थ्री भी कॉमन है यहाँ पर और इसके अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है सो एस सी एफ़ इक्वल टू टू मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू सिक्स एंड एलसीयम एलसीयम में आपको क्या करना है स्टूडेंट जो हाइएस्ट पावर है फैक्टर की उसको आपको लेना है और हर एक फैक्टर ईच फैक्टर को यहाँ पर आ, आपको कराना है मतलब किसी को हमें यहाँ नहीं छोड़ना है तो देखिए टू का जो हाइस्ट पावर है फोर टू की पावर फोर थ्री की देखिए हाइएस्ट पावर थ्री इन सेवन सो so, टू की पावर फोर टू टू जा फोर फोर टू जाट एट टू जा सिक्सटीन इन टू ट्वेंटी सेवन इन टू सेवन इन तीनों ही नंबर्स को इन टीचर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो हमें जो आंसर यहाँ पर मिलेगा थ्री जीरो टू फोर क्लियर सो स्टूडेंट वी फाइंड द एस सी एफ एंड एल सी एम एंड आफ्टर दिस Verify that LCM into SCF LCM into SCF equal to product of the numbers. So LCM is three zero two four SCF six equal to three three six into fifty four. वन एट वन डबल फोर अगर यहां इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर सो स्टूडेंट देखिए वेरीफाई दैट एल्सियम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर करके स्टूडेंट एस सी एफ और एल्सियम फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद हम वेरीफाई भी कर सकते हैं क्लियर समझ में आ गया होगा चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करें डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट फाइंड द एल सी एम एंड एस सी एफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजियर बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड इसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट एट नाइन एंड ट्वेंटी फाइव तो फर्स्ट स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करें इसमें इन तीनों ही नंबर्स के एट नाइन एंड ट्वेंटी फाइव प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें तो चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं देखिए एट टू फोर जा एट टू टू जा फोर टू वन जा टू नाइन थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री ट्वेंटी फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव फाइव वन फैक्टर्स आर एट इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू क्लियर टू टू जा फोर फोर टू जाट अगर हम प्राइम फैक्टर्स जो हैं इन्हीं को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो इक्वल किसके आता है नंबर्स के इक्वल आता है नाइन थ्री इंटू थ्री क्लियर एंड ट्वेंटी फाइव फाइव इंटू फाइव सो फर्स्ट वी फाइंड एस स्टूडेंट एस में हमने पहले भी जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है क्या यहाँ पर कोई फैक्टर कॉमन है नहीं है कोई भी फैक्टर कॉमन तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो वन तो हमेशा ही फैक्टर होता है कॉमन तो यहाँ पर एस सी एफ इज वन एंड एल सी एम इज इसमें आप क्या करेंगे आपको ईच फैक्टर यहाँ पर आपको जितने भी फैक्टर हैं सभी को यहाँ लेना है शामिल करना है और उस बट हाइएस्ट पावर को लेना है हर फैक्टर की हाइएस्ट पावर को तो देखिए टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर टू की पावर थ्री एट इंटू नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव सेवेंटी टू इंटू ट्वेंटी फाइव सेवेंटी टू इंटू ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट करें मल्टीप्लाई कितना मिलेगा ये कितना एटीन हंड्रेड क्लियर तो सो स्टूडेंट वी फाइंड दैट द एलसीएम एंड एस सी एफ ऑफ थ्री इंटीजर्स टीचर्स एट नाइन एंड ट्वेंटी फाइव इज एस सी एफ इज वन एंड एलसीएम इज एटीन हंड्रेड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट गिवन दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गिवन दैट एस सी एफ ऑफ थ्री हंड्रेड सिक्स थ्री हंड्रेड सिक्स एंड सिक्स फिफ्टी सेवन इक्वल टू नाइन फाइंड एलसीएम एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट सो स्टूडेंट इसके लिए हमने अभी जब वेरीफाई किया था तब हमने एक फॉर्मूला यूज किया था एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर उसी को हमें यहां यूज करना है एलसीएम इन टू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है सो स्टूडेंट एलसीएम इज फाइंड करना है हमें एस सी एफ गिवन नाइन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 हंड्रेड सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स सो एलसीएम इक्वल टू 306 हंड्रेड सिक्स इंटू सिक्स फाइव सेवन अपॉन नाइन नाइन वन जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स थर्टी फोर इंटू सिक्स फाइव इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर कितना है टू टू थ्री थ्री एट ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी एट एल्शियम सो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज करके हमने यहां पर एल्शियम फाइंड किया हम एस भी फाइंड कर सकते हैं या अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में से अगर हमें कोई भी एक नंबर फाइंड दिया हुआ है गिवन है तो हम दूसरे अदर नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्लियर सो आई होप दैट स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमने जो डिस्कस किए हैं एस सी फाइंड करना प्राइम फैक्ट्राइजेशन करना वो आपको क्लियर हो गया होगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई डाउट नहीं रहा होगा ऐसा मुझे लगता है आप इस एक्सरसाइज को अब आप नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक नयू नई एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच